ए वेरी वार्म वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं फिर लेके हाजिर हूँ हाउ टू लर्न कार पार्ट थ्री। कार चलाना कैसे सीखें पार्ट थ्री। मैंने अभी तक आपको सिखाया है कि किस तरह से आपने बैठना है, सीट बेल्ट लगाना है, एल का साइन लगाना है, और हो सके तो खुले फील्ड में सीखें और किसी एक व्यक्ति को साथ में बैठा के सीखें। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हैंड ब्रेक, ये हैंड ब्रेक और रिवर्स गियर, दिस वन, किस तरह इस्तेमाल करना है। रिवर्स गियर उसी तरह है जिस तरह फर्स्ट गियर इस्तेमाल करते हैं ना, उसी तरह रिवर्स गियर है। वही स्पीड आपने, जैसे आगे फर्स्ट गियर आपको आगे ले जाता है, रिवर्स गियर आपको पीछे लेके जाता है। बैठने से पहले एक बार आप कार से निकल के देख लीजिए, अंदाज लगाइए कि मेरी कार जहाँ खड़ी है वहाँ से पीछे कितना स्पेस है। किसी वॉल के पास खड़ी है या पार्किंग में खड़ी है कार या बाहर कहीं खड़ी है, ये देखिए मैं कहाँ तक देख पा रहा हूँ। पहले आप ये अंदाज लगा लीजिए कि बैक व्यू मिरर में देखता हूँ या विंडशील्ड बैक विंडशील्ड में मैं देखता हूँ, तो कहाँ तक मैं, मेरी पहुँच कहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, कितना एक्यूरेट है मेरी पकड़, जहाँ तक मैं देखता हूँ कितना एक्यूरेट देख पा रहा हूँ मैं। कहीं ऐसा ना हो बैक करते करते आप गाड़ी कहीं डैश कर दें इसको। बहुत ही आसान, सबसे पहले सीट बेल्ट लगा लीजिए और गियर न्यूट्रल कर लीजिए। जैसे मैंने बताया क्लच दबाइए, ABC क्लच दबाइए, गियर न्यूट्रल कर लीजिए, इग्निशन मारिए, गाड़ी स्टार्ट। अब अगर आपको यहाँ से बैक करना है तो आप रिवर्स गियर लगाएंगे, क्लच दबाइए। देखिए यहाँ पर आर है, मतलब एक्सट्रीम राइट लाके नीचे की तरफ करेंगे तो आर रिवर्स गियर आ जाएगा। एक्सट्रीम राइट किया, नीचे कर लिया, ये रिवर्स गियर लग गया। अब आपने जिस तरह फर्स्ट गियर करते थे, आप हल्का सा एक्सीलरेटर लिया और क्लच छोड़ा, उसी तरह इसमें करना है। हल्का एक्सीलरेटर लिया, क्लच छोड़ा, और देखिए गाड़ी आपकी पीछे चलनी शुरू हो जाएगी। बस पीछे आपने ये अंदाज लगाना है कहाँ तक मैं जा सकता हूँ, और फिर जहां तक आपने करना है बैक वहां रिवर्स करके अगेन क्लच दबाइए और इसको न्यूट्रल में ले आइए। बहुत ही आसान, जैसे फर्स्ट गियर डालना था वैसे ही रिवर्स गियर डालना है। अब फर्स्ट गियर डाल लीजिए, आगे चलते हैं। ये देखिए फर्स्ट गियर आगे चला गया, और इसके थोड़ा सा आगे चल के आप सेकंड गियर डाल सकते हैं। सेकंड गियर डाला, एक्सीलरेटर लिया और गाड़ी आगे चली गई। इसके बाद आप थर्ड गियर, और स्पीड जब 40 के आसपास हो जाए, रोड फ्री हो, तो आप फोर्थ गियर डाल सकते हैं। मैं आपको कहीं रिवर्स करके दिखाता हूँ गाड़ी। जैसे आगे मान लीजिए यहाँ पर ये, हाँ ये ठीक है, यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में ये थोड़ा सा एरिया, यहाँ से मैं रिवर्स कर लेता हूँ, थोड़ा सा आगे किया, यहाँ मैंने रोका, और पीछे देखिए इतना स्पेस मैंने इतना रोक लिया। अब यहाँ से रिवर्स कर लूँगा, क्लच दबाया, बैक गियर डाला और हल्का एक्सीलरेटर लिया। मुझे चूंकि लेफ्ट टर्न करना है तो स्टीयरिंग एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉक वाइज घुमाते हुए देखिए गाड़ी मेरी रिवर्स हो रही है, और पीछे देखिए। अब ये आपने अंदाजा लगाना है कि कहाँ तक मैं इसको रिवर्स कर सकता हूँ, कहाँ मुझे स्टॉप कर देना। स्टॉप कर लीजिए, यहाँ से अगेन फर्स्ट गियर डाल दीजिए और आगे चलेंगे। अब यहीं पर मैं आपको सिखा देता हूँ हैंड ब्रेक का इम्पोर्टेंस। मान लीजिए यहाँ पर पीछे ढलान है, गाड़ी पीछे जाएगी। अगर आप गियर में नहीं चला रहे हैं और एक्सीलरेटर नहीं ले, गाड़ी पीछे जाएगी, तो आप इसको हैंड ब्रेक ले लीजिए। अब गाड़ी पीछे नहीं जाएगी और हैंड ब्रेक लगा लिया आपने, या ढलान है आगे की तरफ या पीछे की तरफ, हैंड ब्रेक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। पहाड़ों में जाते हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने हैंड ब्रेक लगाया, और लगाने के साथ ही अगर आपने रिवर्स जाना है, आगे की तरफ ढलान है या पीछे की तरफ ढलान है या आगे जाना है, आप उसी हिसाब से रिवर्स गियर या फर्स्ट गियर, आप यहाँ से आगे जाना है तो फर्स्ट गियर डालेंगे और एक्सीलरेटर लेंगे। एक्सीलरेटर लेने के साथ ही एक्सीलरेटर दबाएंगे और क्लच छोड़ेंगे धीरे धीरे, और हैंड ब्रेक भी छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे। ये देखिए गाड़ी मेरी आगे बढ़ जाएगी। तो यहाँ से हमने अगेन आगे चले गए। ये कॉन्सेप्ट है हमारा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है रिवर्स
गियर का और हैंड ब्रेक का। हैंड ब्रेक रिलीज करना मत भूलिए, वरना अगर आप इसको रिलीज करना भूल जाएंगे तो अननेसेसरी आपके ब्रेक शूज घिस जाएंगे, गाड़ी गर्म हो जाएगी, एवरेज डाउन हो जाएगा और अननेसेसरी नुकसान हो जाएगा गाड़ी के इंजन में। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए। मुझे उम्मीद है अब तक आप गाड़ी चलाना अच्छे से सीख चुके होंगे, बहुत ही आसान है, आपने फर्स्ट गियर डाला और आप चल पड़े। फर्स्ट गियर डाल के आप चल दिए, थोड़ी देर बाद सेकंड गियर डाल लिया, स्पीड बढ़ा दी, स्टीयरिंग संभालना बहुत ही आसान है, बीच में संभाल के रखिए, थर्ड गियर डाला और आगे चले गए। तो दोस्तों अब तक आप सीख चुके होंगे किस तरह से कार चलाते हैं, किस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर डालते हैं, किस तरह से रिवर्स करते हैं, किस तरह से सेफली चलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि कुछ भी नया मैं देखूँ आपको बता पाऊँ और आप उसको पसंद कर सकें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, औरों को भी फ़ायदा मिले। कार सीखना बहुत ही आसान, इसके लिए कोई पैसे वैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए और सबसे पहले एक खाली फील्ड में सीखिए। और खाली फील्ड में जब आप सीखना शुरू करेंगे तो कोशिश कीजिए एक आर्ट, अंग्रेजी में आर्ट का अंग बना लीजिए, एक बड़ा सा आर्ट का शेप मान लीजिए, आर्ट का अंक है, उसके आसपास उसी शेप पर गाड़ी चलाने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और स्लो चलाने की प्रैक्टिस कीजिए, फास्ट चलाना तो आप कभी भी सीख सकते हैं। सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, एल का शेप ज़रूर लगा लें फ्रंट और बैक विंडशील्ड में, ताकि लोगों को पता रहे सीखने वाला बंदा है तो लोग आपका ख्याल रखेंगे। और रोड पर किस तरह चलाएं वो भी मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा कार में बैठ के इस चीज़ का आभास करें कि पीछे कितना स्पेस है, आगे कितना स्पेस है, रिवर्स गियर लगाना है तो कहाँ तक कितना पीछे गाड़ी करनी है, कितनी आगे करनी है। एक बार आप सीख जाएंगे तो उसके बाद आप खुद दूसरों को भी सिखा पाएंगे, अपने परिवार में, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, कोई भी आपसे हेल्प मांगता है उसकी हेल्प भी कर पाएंगे। मैंने भी ऐसे ही सीखा था कभी, आप भी सीखिए, एंजॉय कीजिए और जहाँ तक हो सके शुरुआत में पुरानी कार से सीखिए, क्योंकि अगर हल्का फुल्का कहीं डेंट आ जाए तो आपको अधिक दुख नहीं होगा, नई कार तो कभी भी चला लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अंत में एक बार ये आपको फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ कि आप सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, फील्ड में पहले सीखें, किसी को साथ बैठा के सीखें और बेसिक्स का ध्यान रखें, एल का साइन ज़रूर लगा लें फ्रंट और बैक विंडशील्ड पर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरे नए वीडियोज़ का, आपको भी फ़ायदा होगा, सबको फ़ायदा होगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, और आई एम साइनिंग ऑफ टुडे, थैंक्स वंस अगेन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।